अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर के पहले 5 न्यूमेरिकल किए थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आ गई होगी और आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज हम चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 6 इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, अपनी बुक्स ओपन कीजिएगा। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, गिवन दैट एक वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 2i + 3j, एक वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 3i - 4j। आपने क्या करना है, आपने सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, बिलतरतीब डी का फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, देन सी की डायरेक्शन फाइंड करनी है एंड डी की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर बुक में ही आपको इक्वेशन दी हुई है, c = a + b d = 3a - 2b। इस इक्वेशन का क्या पर्पस है, अभी आपको मैंने कहा आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सी और डी का। आपके पास सी और डी के कोऑर्डिनेट होंगे, आपके पास सी और डी वेक्टर होंगे तो आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करेंगे ना। तो इसलिए जो ये इक्वेशन c = a + b d = 3a - 2b, ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन यही बता रही है कि यहाँ से हम सी और डी वेक्टर फाइंड करके फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई जी। अब सी वेक्टर आपने फाइंड करना है, सी वेक्टर के लिए इक्वेशन आपके पास है c = a + b। ए भी आपके पास गिवन है, बी भी आपके पास गिवन है, सी एज इट इज़ आ गया। ए की जगह आप पुट करेंगे जो आपको दिया हुआ है 2i + 3j, दरमियान में प्लस, बी आपको दिया हुआ है 3i - 4j। ठीक है, प्लस माइनस करके अरेंज किया तो यह आया 2i + 3j + 3i - 4j। यहाँ से जो सी का फाइनल रिजल्ट निकला वो है 5i - j। ठीक है, अच्छा आपके पास ये सी वेक्टर आ गया। अब आप इजीली इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं जी। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखेंगे c = a² + b² ए आपको कितना दिया हुआ है 5 और बी आपको कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो ये हो गया 25 + 1, यानी कि सी आपके पास निकला 26 स्क्वायर रूट के साथ। स्क्वायर रूट को जब हम कैंसिल करेंगे तो सी आपके पास आ जाएगा 5.1। यहाँ तक तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की। अब आप मूव करेंगे किसकी तरफ, डायरेक्शन की तरफ। अच्छा अब यहाँ देखें ज़रा गौर से, जो आई कंपोनेंट है ये स्टैंड फॉर एक्स एक्सिस होता है और ये दूसरा किसके लिए होता है, वाई के लिए। अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि यहाँ पर जो एक्स कंपोनेंट है सी वेक्टर का वो पॉजिटिव है, जो सी वेक्टर का वाई कंपोनेंट है वो क्या है, नेगेटिव है, तो आपने क्वाड्रेंट की तरफ मूव करना है। डायरेक्शन फाइंड करें ना क्वाड्रेंट में, आप कहेंगे जो पॉइंट्स 5 और -1 है लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे पता चला, जो एक्स कंपोनेंट है वो प्लस का है, जो वाई कंपोनेंट है वो माइनस का है, देयरफॉर ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फार्मूला है tan θ = ry/rx। आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं और पिछले न्यूमेरिकल्स में जो हमने डायरेक्शन फाइंड करने का फार्मूला यूज़ किया था आप वो भी लगा सकते हैं, चॉइस इज यूअर्स। ठीक है, अच्छा अब tan θ = ry/rx इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये पिछले न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज़ किया था, θ = 180 + tan inverse ry/rx। आज अगर आप उस न्यूमेरिकल में फार्मूला यही वाला यूज़ करना चाहें, आज हमारा क्वाड्रेंट चेंज है, उस टाइम थर्ड था तो 180 लिखा था, आज हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फिर आप लिखेंगे θ = 360 + tan inverse ry/rx। ठीक है, इस तरह भी हल कर सकते हैं, जिस तरह आज कर रहे हैं आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। ये फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया जो पिछले लेक्चर में यूज़ हुआ था, अगर आप इस तरह फार्मूला यूज़ करना चाहें तो चॉइस इज यूअर्स। ये फार्मूला है θ = 360 - tan inverse ry/rx। ठीक है, अच्छा अब हम जो फार्मूला लगा चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा θ = tan inverse ry/rx। आपने अभी पीछे देखा था जो ry है वो आपके पास 1 है, जो rx है आपके पास 5 है, इसको आपने समराइज़ किया तो यहाँ से क्या निकला, ये निकला θ = 11 degree। ठीक है, उसके बाद फिर आपने सिंपल वही किया, ये देखिए यही फार्मूला है, थीटा एज इट इज़ आ गया 360 आ गया, इस टेन इनवर्स ry/rx को हम फाई का नाम भी दे रहे हैं, ये आ गया फाई, यानी कि हम सब जो फाइंड करके बैठे हैं ये फाई फाइंड करके बैठे हैं, तो फाई क्या निकला आपके पास 11 निकला है, फाई क्या निकला आपके पास 11 निकला। इन दोनों को आपने माइनस किया तो यहाँ से आपके पास एंगल निकला 349। अगेन सुने, अगर नहीं समझ आए तो θ = 360 - tan inverse ry/rx। टेन इनवर्स ry/rx को हम किसका नाम देंगे, फाई का। यहाँ भी आप सब में क्या पुट कर रहे हैं, फाई पुट करें तो यहाँ पर थीटा एज इट इज़ आ गया, फिर फार्मूले का 360 आ गया, -tan inverse ry/rx। ये पूरी टर्म लिखना चाहें आपकी मर्जी, अगर ये पूरा ना लिखना चाहें तो आप यहाँ सिर्फ 5 ही लिख सकते हैं और इस न्यूमेरिकल को जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक तो इस न्यूमेरिकल का एक पार्ट था।
अच्छा आपने क्या किया था इसमें, सी वेक्टर फाइंड किया था, देन सी की डायरेक्शन फाइंड की थी, देन सी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया था। सिमिलरली अब हम मूव करते हैं वेक्टर डी की तरफ। वेक्टर डी फाइंड करेंगे, वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर वेक्टर डी की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा अब डी आपको दिया हुआ है 3a - 2b, 3 a की वैल्यू पुट की, माइनस 2 b की वैल्यू पुट की, इनको अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 3 3 9, 2 3 6 और 2 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस प्लस भी साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अरेंज किया 6i - 6i, 9j + 8j, तो 6i 6i कैंसिल, डी इक्वल 17j। यहाँ पर जो एक्स कंपोनेंट है, जो आई यूनिट वेक्टर है, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा ये वेक्टर डी की वैल्यू निकल आई, अब आप डी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो यहाँ फार्मूला वही पुराना वाला, डी इक्वल a² + b² ए नहीं है तो हम 0 पुट करेंगे और जो बी है उसको हम क्या पुट कर रहे हैं, जो हमारे पास अभी निकला 17। उसके बाद जो है इनको जब मजीद आपने सॉल्व किया, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, तो डी आपके पास कितना निकला, 17 निकला। अब कहता है द पॉइंट 0 and 17 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको कैसे पता चला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहीं पर देख लें, यहाँ पर आपका आंसर निकला है 0i + 17j। तो मेरे ख्याल में आपको नज़र आ रहा है दोनों क्या है, प्लस के हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों आर आई एक्स भी और आर वाई भी दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना, इसलिए हमने कहा जो पॉइंट्स 0 and 17 है लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फिर वही बात, थीटा इक्वल, इसको आप फाई भी कह सकते हैं, फाई इक्वल टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो यहाँ से हुआ टेन इनवर्स, आर आपको कितना दिया हुआ है 17 और आर कितना दिया हुआ है 0, 17 को 0 पर डिवाइड करेंगे, इसका टेन इनवर्स लेंगे, इन्फिनिटी निकलेगा और टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पर। यहाँ तक बात समझ आई, ये आपने क्या फाइंड कर लिया, डायरेक्शन। ये था न्यूमेरिकल 6, इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा एक और बात, आप लोगों को जब भी मैं न्यूमेरिकल करवा रही होती हूँ ना, आप अपना रजिस्टर साथ रखा करें, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं कर रही हूँ आप साथ किया करें, फिर एंड पर ना इसी लेक्चर के स्क्रीनशॉट लेकर फिर आप उसको दोबारा प्रैक्टिस किया करें, इस तरह आपको थोड़ा ना आसान रहेगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, तो आइए चलते हैं। न्यूमेरिकल 7 है जनाब, इसमें कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, गौर से समझिएगा, आपने एंगल फाइंड करना है। एक वेक्टर ए आपको दिया हुआ है 5i + j, दूसरा दिया हुआ है 2i + 4j, आपने एंगल फाइंड करना है। आपने डॉट प्रोडक्ट वाला टॉपिक पढ़ा था, a·p = ab cos θ, वो वाला फार्मूला लगेगा, थीटा फाइंड करना है। फार्मूले को अरेंज किया, थीटा इक्वल कॉस इनवर्स a·b/ab। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, गौर से देखें, आपने थीटा फाइंड करना है, अंडरस्टूड बात है। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड चाहिए तो उसके लिए आपके पास राइट हैंड साइड में तमाम जो आपको टर्म्स चाहिए होती हैं वो आपके पास हों, ना तो आपके पास a·b है ना ही आपके पास ab है। a·b का मतलब ये है कि आप a·b को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो आपके पास नहीं है, ना ही आपके पास वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है और ना ही आपके पास वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम a·b को फाइंड करने की ट्राई करते हैं। जी a·b इक्वल a की जगह आ गया 5i + j डॉट 2i + 4j, ये बी की वैल्यू है। ये वाला फार्मूला आपने डॉट प्रोडक्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था, जिसको हमने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था। इसमें यूँ था कि एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ आपने लिखा था axbx, i·i जो था 1 था, फिर j·j 1 था, फिर k·k 1 था, जो i·j था, j·k था, k·i था, वो फैक्टर 0 हो गए थे, वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल लिखेंगे axbx ay by plus az bz। ax आपको दिया हुआ है 5, मल्टीप्लाई हो रहा है bx के साथ, वो दिया हुआ है आपको 2, i·i 1 हो गया, लिख दें तो कोई इशू नहीं है, ना लिखें तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि 1 हो गया। अच्छा उसके बाद ay by ay आपको दिया हुआ है 1, by आपको दिया हुआ है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, j·j फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ना ही आपके पास वेक्टर a में z कंपोनेंट है, ना ही आपके पास वेक्टर b में z कंपोनेंट है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 = 10, 4, तो मजीद हल किया, तो a·b आपके पास आ गया 14, हमें ये चाहिए था, ये फार्मूले में चाहिए था, a·b क्या निकला हमारे पास, 14 निकला। अच्छा अब हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि हमारे पास वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो a = a² + b², a कितना दिया हुआ है अभी देखें फार्मूले में 5, और उसके अलावा जो b कितना दिया हुआ है वो j दिया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, a आपको दिया हुआ है 5, b आपको दिया हुआ है 1, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे
ए की जगह आ गया 5 और 1 आ गया, समराइज किया तो ए इक्वल 5.1 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हमारी अगली रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। फार्मूला वही लगेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ए बी वेक्टर में जो ए वाला कंपोनेंट है वो दिया हुआ है 2 और जो बी वाला कंपोनेंट वो दिया हुआ है 4। इसको हमने पुट किया तो यहाँ से क्या निकल आया, 20। अब हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड भी आ गया, हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड भी आ गया। हम इजीली इस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम एंगल निकाल सकते हैं। तो आइए पुट करते हैं। बी आपके पास निकला 4.5, वही वाला फार्मूला, थीटा इक्वल कॉस इनवर्स। ए डॉट बी निकला था 14 और ए का मैग्नीट्यूड था 5.1, बी का मैग्नीट्यूड था 4.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कॉस इनवर्स लिया तो आपके पास एंगल आया 52 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द वर्क डन व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 3i + 2j मूव स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट्स 2-1 टू पॉइंट 6 एंड 4। आपके पास फोर्स का वेक्टर तो दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक R1, एक आपके पास R2। ये पॉइंट्स हमें क्यों दिए हुए अभी बताती हूँ। वर्क डन आपने फाइंड करना है, वही डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन का फार्मूला होता है W = F.D। ये जो R1 दिया हुआ है और R2 दिया हुआ है, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करने में हमारी मदद करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस इसको हम लिखेंगे D = R2 - R1। D निकालना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। R आपको जो दिया हुआ था पॉइंट्स में, आपने उसको अरेंज किया वेक्टर फॉर्म में 6i + 4j। R1 भी पॉइंट्स में दिया हुआ था, इसको भी आपने अरेंज किया तो ये निकला 2i - j। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, D एज इट इज़ आ जाएगा, R2 की जगह आएगा 6i + 4j, माइनस आ जाएगा R1 की जगह आ जाएगा 2i - j। इसको अरेंज किया, यहाँ से आपको डी वेक्टर निकला, मिला 4i + 5j, वही फार्मूला W = F.D। अच्छा, आप देखें गौर से, यहाँ मैंने ये नहीं लिखा FD cos of theta। अगर यहाँ भी लिखूँ ना FD cos of theta, तो पिछले न्यूमेरिकल की तरह पहले हमें F.D का रिजल्ट फाइंड करना पड़ेगा, फिर F का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, फिर D का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, देन जाकर हमें एंगल मिलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर, क्यों? द रीज़न इज़ दैट बुक में स्टेटमेंट में आपको उसने कहा ही नहीं है कि आप एंगल फाइंड करें, उसने सिंपली कहा कि वर्क फाइंड करें, तो हम एंगल की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। W आ गया, F आपको दिया हुआ है 3i + 2j और D आपको दिया हुआ है 4i + 5j। फिर वही बात, जैसे पीछे आपने फार्मूला लगाया AX BX AY BY AZ BZ, सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम होगा। अब हमारे पास अननोन वेक्टर नहीं, नॉन वेक्टर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप लिखेंगे FX DX FY DY and FZ DZ, ठीक है। FX दिया हुआ है 3 और DX आपको दिया हुआ है 4, दरमियान में प्लस। FY दिया हुआ है 2 और DY दिया हुआ है आपको 5। ये वाला कंपोनेंट नहीं है, ओमिट कर देंगे। अरेंज किया तो ये आया, वर्क डन क्या आया, 22 जाओ। हमारा यही पर्पस था, हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ओके, अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल 9 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थोड़ा लेंथी है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10 करते हैं, तो वो भी इतना ही आसान और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अच्छा, इन ये जो आपने डॉट प्रोडक्ट के दो न्यूमेरिकल किए, एक आपने किया 8वां न्यूमेरिकल, एक आपने किया 7वां न्यूमेरिकल, तो अब आपने करना ये है, डॉट प्रोडक्ट वाला टॉपिक खोल के उसके बाद जो एग्जांपल दी हुई ना इसी फार्मूले से होने वाली, वो एग्जांपल आपने लाजमी करनी है, ठीक है। ओके, अब हम न्यूमेरिकल 10 की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल 10 की स्टेटमेंट बुक से पढ़े ज़रा गौर से। गिवन दैट A = i - 2j + 3k, B = 3i - 4k, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। ए वैक्टर दिया हुआ है, कोई बी वैक्टर दिया हुआ है, करना क्या है इस न्यूमेरिकल में, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। याद होगा आपको डॉट प्रोडक्ट वाला टॉपिक, उसमें आपने ड्रा किया था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए किया था ना। आज वो कह रहा है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी का मतलब आपने ए कॉज ऑफ थीटा फाइंड करना है। अगर कहता कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो उसका मतलब था बी कॉज ऑफ थीटा फाइंड करना है। तो ए कॉज ऑफ थीटा फाइंड करना है, सिंपल सा है स्टेप। इसके लिए आपने करना होगा B.A = B (A cos θ). आई होप कि आपको जो प्रीवियस लेक्चर डॉट प्रोडक्ट वाला था उसमें ये फार्मूला याद आ गया होगा। इसको अपने नोट्स में लाजमी देखिएगा जो आपने बनाए थे, क्या वाकई ये फार्मूला मौजूद है या नहीं है। ये है आपका डॉट प्रोडक्ट वाला टॉपिक, ये है फार्मूला प्रोजेक्शन ऑफ
ए ऑन बी, यही फाइंड करना था ना आपने। हाँ जी, ए ऑन बी का मतलब फिर इसको हम लिखते थे बी इन डॉट ए, बी इक्वल बी इन टू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। फिर ये बी एज इट आता था, इसके लिए आता था ए कॉज ऑफ थीटा, तो बी डॉट ए इक्वल बी ए कॉज ऑफ थीटा, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो फार्मूला बनता है बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो आज हमने क्या फाइंड करना है, हमने आज फाइंड करना है ए कॉज ऑफ थीटा, हमने क्या फाइंड करना है ए कॉज ऑफ थीटा। अपने नोट्स में देखिएगा, ये पूरा हल किया हुआ था ये वाला टॉपिक। चलें अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। बी डॉट ए इक्वल बी इंटू ए कॉज ऑफ थीटा, इसका मतलब क्या है दोबारा बता देती हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अच्छा आप गौर से देखें, आपने फाइंड करना है रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ए कॉज ऑफ थीटा। ए कॉज ऑफ थीटा इधर ही रहेगा बी डॉट ए, ये बी इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड तो आपने फाइंड करनी है, तो मस्ट है आपके पास राइट हैंड साइड में तमाम टर्म्स कंप्लीट हों। जी बी भी है ए भी है, लेकिन आपके पास बी डॉट ए नहीं है, ना ही आपके पास बी का मैग्नीट्यूड है। तो हम फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड बी डॉट ए फाइंड करने का, वही वाला सारा फार्मूला लगेगा बी एक्स ए एक्स फिर बी वाई और ए वाई। अच्छा बी दिया हुआ है 3i-4k, ए दिया हुआ है i-2j+3k। आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे कंपोनेंट को जे के साथ, के कंपोनेंट को के साथ। अच्छा बी का आई कंपोनेंट दिया हुआ है 3 और ए का दिया हुआ है 1, 3 × 1, 3, ठीक है। अच्छा अब गौर से देखें, बी वाले में जे कंपोनेंट मिसिंग है, ए वाले में जे कंपोनेंट मौजूद है। जो कंपोनेंट मिसिंग है उसको हम अंडरस्टूड बात है 0 पुट करेंगे, ठीक है, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह फिर दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस वही फार्मूला है ना, ए एक्स बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जी ए जी, वही वाला फार्मूला है। दरमियान में प्लस है तो हम भी क्या लगाते जाएंगे प्लस। अच्छा अब जो बी जी है वो है -4 और जो ए जी है वो है 3, इनको मल्टीप्लाई किया अरेंज किया हल किया तो यहाँ से निकला बी डॉट ए क्या निकला -9 निकला। अब हमारे फार्मूले में हमारी रिक्वायरमेंट जो थी बी डॉट ए ये तो हमने फाइंड कर ली। अगला काम क्या है, हमने बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो हम बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वही पुराने वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बी जो वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर में जो ए कम ए है वो है 3 और जो बी है वो है क्या -4, तो आपने पुट किया 3 और -4 यहाँ से अरेंज किया, ये क्या निकला आपके पास 25, बी का मैग्नीट्यूड निकला 5। आइए इस फार्मूले में पुट करते हैं, ए कॉस ऑफ थीटा फाइंड करना है। बी डॉट ए आपने अभी फाइंड किया, क्या निकला -9, बी डॉट ए क्या निकला -9, यहाँ पर पुट किया -9 और जो बी का मैग्नीट्यूड है वो क्या निकला आपके पास 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 5, बी डॉट ए पुट किया -9 और जो बी का मैग्नीट्यूड था वो क्या निकला था 5, तो आपने किया ए कॉस ऑफ थीटा इक्वल -9/5, ये आपका आंसर है। अच्छा यहाँ पर आपने ए का मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं किया, क्यों, बिकॉज हमें चाहिए ही नहीं था। गलती नहीं करनी कि अगर आप ये कहें कि हमने सिर्फ यहाँ कॉस थीटा फाइंड करना है, नो, आपने फाइंड करना है ए कॉस ऑफ थीटा, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या फाइंड करना है आपने, ए कॉस ऑफ थीटा, तो ए का अलग से मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करेंगे, ये पूरा एक ही चीज़ है ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, आई होप कि आपको ऑल न्यूमेरिकल्स की समझ आ चुकी होगी। आप नोट्स लाजमी बनाने हैं, मच मोर प्रैक्टिस करनी है विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।